कार शहर उपखंड क्षेत्र के लूकसा जोहड़ा बिल्लुबास में यान की श्री शिव कृषि उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पेरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र जाजड़िया थे। सम्मान समारोह संस्था के प्रधानाचार्य भरत सिंह की अध्यक्षता में रखा गया। संस्था सचिव सत्यनारायण जाजड़िया, सरपंच शिशपाल सिहाग, शिमला सरपंच अजीज खान, ओम प्रकाश भोजी, सरपंच नंदलाल सांकी, गिरधारी दास, शिवनारायण भाकर, हरिभक्त तिवाड़ी आदि मंचस्थ अतिथि रहे। इस अवसर पर जाजड़िया ने कहा कि स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए जाए तो बच्चे देश के श्रेष्ठ नागरिक बनते हैं। जाजड़िया ने बच्चों से कहा कि अगर अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हो तो जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा। मेरी सफलता का राज भी अनुशासन में कड़ी मेहनत है। गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता एक अच्छी शुरुआत है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं सामने आएगी। इस मौके पर जाजड़िया का प्रधानाचार्य भरत सिंह व विद्यालय स्टाफ ने माला व साफ पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में आयोजित श्री शिव कृषि प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 में सफल होने वाले 50 विद्यार्थियों को पेरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र जाजड़िया द्वारा सम्मानित किया गया। मां सरस्वती व परमानंद सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राकेश पारिक, कन्हैयालाल स्वामी, चंद्रशेखर राजपाल, नरेश कुमार, अमित साई, नीतू कंवर, लिचमा, मीना कंवर, सुमन स्वामी, सुरेश तिवाड़ी, महेंद्र सिंह भटगुजर, प्रताप आम्बू, सुल्तान पुनिया, देवीलाल स्वामी, बुराराम मेघवाल, गजेंद्र स्वामी, ओम प्रकाश सिहाग, विद्यालय स्टाफ सहित हजारों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश पटेल व राकेश स्वामी ने किया। आज का ये कार्यक्रम प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के उपलक्ष में आयोजित शिव कृषि महाविद्यालय में मंच पर विराजमान हमारे जितने भी साथी हैं, सरपंचगण, इस स्कूल के प्रबंधक, इस स्कूल के टीचर, इस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, विशेष तौर पे जो शिक्षा को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं वही लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। और जिन उद्देश्य के लिए हम यहां पे आए हैं वो हमारे प्यारे स्टूडेंट लंबे समय से बड़े अनुशासन में सुन रहे हैं। 12 साल का बच्चा है, उसके ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी बड़े गौर से सुन रहे हैं ये बच्चे बातें। तो मैं इनको सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप रियली अनुशासन प्रिय स्टूडेंट हो। आपने इस प्रतियोगिता को आयोजन किया और इस आयोजन में जो प्रतिभागियों ने भाग लिया उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि एक कार्य करने के लिए कम से कम 20 या 25 दिन की जरूरत होती है। और इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने किया, इस संस्था के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष तौर पे आप लोगों ने मुझे इनके बीच में ला करके जो कार्य किया है इसके लिए मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग मुझे यहां सुनने आए। साथियों, मेरी पहचान एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से है, एक पद्म भूषण अवार्ड से है या खेल रत्न अवार्ड से है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरी असली कोई पहचान है, वो मेरी पहचान है, मैं किसान का बेटा हूं। एक कवि ने एक बात कही थी कि ये मत देखो आप कितनी ऊंचाई पे पहुंचे हो, आप ये देखो कि आपने दूरी कितनी तय की है। तो मैंने मेरी जिंदगी में दूरी बहुत तय की है। मैं उस दौर में खेल की शुरुआत की थी जब खेल के नाम पे यहां कुछ भी नहीं था, मेरे पास फेंकने के लिए एक भाला नहीं हुआ करता था। संस्था का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। डॉक्टर देवेंद्र जैसे बड़ी बड़ी शख्सियतों से इस संस्था का जुड़ाव रहा है। इस संस्था के पहले जो सेक्रेटरी थे उस समय के चूरू सांसद मोहर सिंह जी राठौड़ थे, उनके बाद
लोन कैंसर के एमएलए, गोदारा साहब इसके सेक्रेटरी रहे, नरेंद्र जी बुढ़ानिया जो राज्यसभा सांसद थे वो इसके सेक्रेटरी रहे, हमारे तात्कालिक सांसद राम सिंह जी कसवां बहुत लंबे समय तक इसके सचिव रहे हैं, और मेरे से पहले अतुल जी गर्ग जो हमारे कलेक्टर भी रह चुके हैं और एक बहुत ही सीनियर आईएएस अधिकारी थे जो सेक्रेटरी पद से रिटायर्ड हुए हैं, और उनके बाद ये जिम्मेवारी मेरे कंधों पर आप सब लोगों ने सौंपी। मैंने पूरी कोशिश की कि इस पद के लिए, इस संस्था के लिए, इस समाज के लिए, इस इलाके के लिए हम काम करें, और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो कार्यकारिणी थी जिस दिन बनी उस दिन से लेकर के आज तक वो रात और दिन मेहनत कर रही है, और जो कई चीज़ें इस संस्था की गौण थी उन चीज़ों को दृष्टिपटल पे लाया और जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की। आगे साहब बड़ा सौभाग्य है कि अपने देश का नाम ऊंचा करने वाले पूरे विश्व में जादरिया जी यहाँ पधारे हैं, इनके लिए हम सभी बहुत हर्षित हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं, इनको धन्यवाद है कि आप लोग यहाँ हमारी धरती पर पहुंचे। और हमारे यहाँ प्रधानाध्यापक जी, हमारे यहाँ काफी देर हो गई आपको, यहाँ हमारे पूरा स्टाफ और पूरे लोग जो इस संस्था में सहयोग कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से समर्पित हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आप ऐसे ही आगे सहयोग करते रहें और इस संस्था का नाम रोशन करते रहें। आज शिव कृषि विश्वविद्यालय में आकर के अच्छा लगा, सरकार तहसील सरकार तहसील में अपनों के बीच में आकर के मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा लगा। विशेष तौर पर स्टूडेंट से मिला और जो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जो रखी थी उनके प्राइज भी वितरण किया, गाँव के लोगों से आकर पहला भी है, और कहीं ना कहीं अपनों के बीच में आकर के जिला भी मिला। जब आप कहीं भी दुनिया में चैंपियन हो तो अपनों के बीच में आकर के होता भी नहीं होता है, उन लोगों की दुआएं हैं कि आज मैं इस दुनिया में इस देश के लिए खेल रहा हूँ। मेरा आता है नशा कि मैं जूनियर खिलाड़ियों को प्रमोट करूँ, यहाँ से दो तीन हमारे खिलाड़ी भी निकले हैं, गोपाल है, मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ी निकले यहाँ से और देश और प्रदेश का सुरेश जी बिल्कुल मैं एडवाइस दूंगा बच्चों को कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, और विशेष तौर पर कभी कभी जैसे मुझे यहाँ बुलाएंगे बच्चे तो मैं ज़रूर आकर के इनको प्रोत्साहन करूँगा कि आप ऐसे खेल सकते हो, आप इस फील्ड में रह सकते हो, यहाँ आपका स्कोप ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक मैं गाइड के तौर पर भी रहूँगा और एक गार्जियन के तौर पर।